कैसे आप लोग एक बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट लाया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। वो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। असल में क्या था ना दोस्तों, मैं काफी दिनों से परेशान था इस प्रोडक्ट के लिए। यही प्रोडक्ट मैं डिफरेंट दुकान से खरीदा पर किसी तरह से ये प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा था। असल में ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस समय सभी आदमी को इस प्रोडक्ट का जरूरत है। आप 5 साल पहले टीवी खरीदे होंगे तो उस टीवी में आपका ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी नहीं होता है। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो टीवी था दोस्तों KDL-43 सोनी ब्राविया का टीवी था, जो मैं करीब काफी पैसे में खरीदा था दोस्तों। तो मैं काफी परेशान भी हो गया था कि इसमें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है नहीं। मैं खास करके रात को अगर आपको टीवी देखना हो तो आप फुल वॉल्यूम करके तो नहीं देख सकते क्योंकि आसपास वालों को काफी डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत होता है दोस्तों, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है दोस्तों, हर टीवी में अवेलेबल नहीं होता है। नहीं, अभी का जो टीवी है दोस्तों उसमें अवेलेबल है, पर जो 5 साल पहले के जो टीवी होता है दोस्तों उसमें इस कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। तो मेरा जो टीवी है दोस्तों, जो मॉडल मैंने को बताया सोनी ब्राविया का, मैंने काफी ट्राई किया दोस्तों इस टीवी में ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। यहां तक कि मैं 4-5 बार ये प्रोडक्ट को खरीदा। बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं ना दोस्तों ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ डोंगल आप खरीद कर अपना टीवी के यूएसबी में लगा दो, उसके बाद फिर आप यूएसबी में लगा दो तो उसके बाद आपका टीवी फिर कनेक्टिविटी हो जाएगा। पर मैं ऐसा होता नहीं दोस्तों। देखिए सोनी का जो टीवी होता है ना दोस्तों, उसके लिए पर्टिकुलर बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तभी वो कनेक्ट होगा दोस्तों, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं होगा। तो मैंने जो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदा है दोस्तों, मैंने पहले 2 दिन टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को इस प्रोडक्ट के विषय में बताया जाए। इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं छुपा के रख नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो मैं डोंगल खरीदा हूं उस डोंगल को मैं आपको दिखाता हूं, साथ में ये भी करके मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों इसे टीवी में आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली और इजी वे है दोस्तों जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बॉक्स दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं खरीदा हूं दोस्तों, इसका प्राइस करीब 1200 के करीब है। पर देखिए पैसे मत देखिए, पैसे क्या, हम लोगों को काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 बार मैं खरीदा हूं दोस्तों, 4-5 बार खरीदने के बाद जब ये टीवी में सेट नहीं हुआ तो मैं काफी अपसेट हो गया था। यहां तक मैंने सोचा भी था दोस्तों कि मुझे टीवी को चेंज करना पड़ेगा। ये है, ये देखिए BT-USB ऑडियो ट्रांसमीटर आईबॉल का ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो करीब 1259 रुपीज का पड़ा है। 1259 रुपीज का पड़ा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि इस प्रोडक्ट, इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या दिया गया और किस तरह से ये कनेक्ट होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बीटी दिखा चुका हूँ। सिंपल एक ऑक्स केबल दिया गया है दोस्तों, ऑक्स केबल। मैं आपको दिखाऊंगा टीवी में किस तरह से कनेक्ट होता है, ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा। एक ऑक्स केबल के साथ आपका एक यूएसबी डोंगल टाइप का दिया गया है दोस्तों, देखिए, जिसमें आपका ये लिखा हुआ है दोस्तों BTX आईबॉल। इसमें आपका सिम कंपनी का नाम भी दिया गया है दोस्तों, जस्ट एक यूएसबी की तरह। ये देखिए कनेक्ट कीजिए, ये जस्ट एक यूएसबी। इसमें क्या होता है, अगर जो आपका टीवी का पोर्ट है ना दोस्तों, यूएसबी पोर्ट, उसमें आपको कनेक्ट कर देना पड़ेगा दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइट आपका ब्लिंक करता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ में इसको ऑक्स केबल दिया गया है दोस्तों, देखिए ऑक्स केबल का ये पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे इसे कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। ये रहा सबसे अच्छी बात। अब मैं चलिए आपको टीवी में कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से कनेक्ट होता है दोस्तों। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑक्स केबल, एक यूएसबी टाइप का जो है दोस्तों। अब मैं इसे फेस में शो कर, अब मैं इसे टीवी में आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, टीवी में कितना इजी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काफी परेशान था दोस्तों मैं ये टीवी में कनेक्ट करने के लिए, पर फाइनली मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ और इस प्रोडक्ट का पैसा पूरी तरह से वसूल हो गया है दोस्तों। तो देखिए ये जो ऑक्स केबल है ना दोस्तों, ये ऑक्स केबल आपके सभी के टीवी में ऑक्स केबल का कनेक्शन होता है दोस्तों, जिसके द्वारा आप हेडफोन सुना कर। ऑक्स केबल मैं ऑलरेडी टीवी में कनेक्ट करके रखा हूँ, ये आपका टीवी का ऑक्स केबल है। ऑक्स केबल से कनेक्ट करने के बाद ये टीवी में लाया गया दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो आपका ब्लूटूथ हैंडसेट है ना दोस्तों, ये ब्लूटूथ है, इसका जो यहाँ पे जो ऑक्स केबल दिया गया है ना दोस्तों, ऑक्स केबल में आप जस्ट इसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह से हो गया है दोस्तों। अब क्या होता है, ये जो एक यूएसबी पोर्ट होता है दोस्तों, ये जो यूएसबी पोर्ट है ना दोस्तों, ये यूएसबी पोर्ट को क्या कीजिएगा, टीवी में जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें आप कनेक्ट कर देना पड़ेगा दोस्तों। कनेक्ट करने से इसमें एक ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा ये यूएसबी का दिया गया है दोस्तों, यूएसबी का ये प्रोडक्ट मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो गया इसमें। अब मैं आपको टीवी में प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों कैसा है, देखिए आप ब्लूटूथ जैसे ही इसमें आप कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ये देखिए एक ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी क्विकली ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। देखिए स्लो नहीं है, बहुत ही फास्ट ब्लिंक कर रहा है। प्लस आपको पेयर इसमें ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, पेयर ऑलरेडी टीवी में दिखा चुका है, बस इसे क्लिक कीजिए
क्लिक करने के बाद ये देखिए ब्लूटूथ का जो हेडफोन है दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में इसका भी रिव्यू करके आपको दिखाया था दोस्तों कि ये किस तरह से मैंने इसे फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदे था, कितना प्राइस वगैरह, तो इसे आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं। देखिए इसमें जो स्विच है दोस्तों, एक जस्ट ब्लूटूथ का जो स्विच है, इसे जस्ट आप क्लिक करके रखें। क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे रेड एंड ब्लू, ये देखिए रेड एंड ब्लू हो रहा है, जब फास्ट हो रहा है ना दोस्तों, ये फास्ट, इसमें आप समझ कैसे पाएंगे कि ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आप जब इसे कान में लगाते हैं दोस्तों इस तरह से, अगर आप इसको कान में शो करते हैं तो आपको एक साउंड आता है कान में कि ब्लूटूथ पेयर करना है, कि जैसे ही हम इसे अगर पेयर करते हैं ना दोस्तों, पेयर का ऑप्शन देता है ना, ये ऑटोमेटिक इसमें कनेक्ट हो चुका है टीवी पे। आपको वॉल्यूम में ये बताएगा दोस्तों, ये आपका जो स्पीकर है आपको ये बताएगा कि हम ब्लूटूथ कनेक्टेड। बस सिंपल, अब कनेक्ट होने के बाद आप आराम से कोई भी वीडियो वगैरह देखे या राइट पर आपको टीवी देखे, या अगर बच्चे लोग आपके पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो उन लोगों का डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, एक बात और खास करके दोस्तों, देखिए बहुत ही छोटा सा बात है पर बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग ये जानते नहीं है। क्या होता है ना दोस्तों, जब आप टीवी में ऑक्स केबल कनेक्ट कर देते हैं तो जब तक आप ऑक्स केबल टीवी से ना निकाले तब तक आपका टीवी का आउटपुट साउंड नहीं आएगा दोस्तों। तो अब क्या है, अब क्या हर दिन आप अपना ऑक्स केबल निकालेंगे, ऑक्स केबल निकालेंगे फिर इन करेंगे, और आपका टीवी अगर वॉल माउंटेड है तो आपको कितना परेशानी होगा, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, अब उसके लिए मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ, टीवी में होता है वो, लगभग सोनी के हर टीवी में ही होता है, जो आपको ऑक्स केबल अगर निकाल देते हैं तब भी, ऑक्स केबल ना निकालेंगे तब भी आपका टीवी का आउटपुट साउंड आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं सेटिंग में, टीवी का सेटिंग में जाकर आपको ये चीज देखना होगा। ये कि सिंपल, आप सबसे पहले यहां पे आइए, सेटिंग में आने के बाद यहां जो ऑप्शन है दोस्तों साउंड में आने के बाद यहां पे देखिए एक हेडफोन स्पीकर लिंक ऑफ ऑन, ये जो है ना दोस्तों, ये देखिए अगर मैं ये, मेरा ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्ट है, यहां ब्लिंक हो रहा है, इसमें भी ब्लिंग हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है मेरा दोस्तों। इसके बावजूद अगर मैं टीवी का वॉल्यूम बढ़ाता हूं, ये देखिए, इससे तो आप समझ ही रहे होंगे, ये मेरे टीवी के स्पीकर से ये साउंड आ रहा है, टीवी के स्पीकर से साउंड आ रहा है, ऑलरेडी कनेक्ट है, ऑक्स केबल भी कनेक्ट है दोस्तों, ब्लूटूथ भी कनेक्ट है। अब मैं क्या करना, अगर मैं चाहता हूं दोस्तों कि अब मैं टीवी का साउंड ऑफ करके सिर्फ हेडफोन से सुनूं, तो इसके लिए आपको सिंपल यही करना है दोस्तों, यहां पे जाकर सिंपल साउंड मोड में जाना है, सॉरी दोस्तों ये बार बार कनेक्ट दिखा रहा है, तो सिंपल यहां पे साउंड मोड में जाना है। साउंड मोड में जाने पर यहां पे जो हेडफोन स्पीकर लिंक है वहां उसे आप ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद ये जो ऑफ है ना इसे आप ऑन कर दीजिए, बस ऑन करने के बाद ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, अब आपका टीवी का आउटपुट साउंड नहीं आएगा दोस्तों। ये यहां आप सो पा रहे होंगे, हेडफोन का साउंड है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों सिंपल। अगर फिर से आप इसे चाहें तो फिर से आप सेम ऐसा ही कर सकते हैं दोस्तों, साउंड में आइए, साउंड में आने के बाद यहां पे हेडफोन जो लिंक है, साउंड में आने के बाद हेडफोन आउट, हेडफोन स्पीकर लिंक को आप फिर से इसे ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर देने के बाद अब यहां से आप ऑटोमेटिक साउंड टीवी का सुन सकते हैं। तो क्या है दोस्तों कि बार बार आपको ऊपर बार बार इसे खोलना नहीं पड़ना दोस्तों, एक बार में आप सब अगर ये चीज करते हैं, नहीं तो बार बार कितनी परेशानी होगी, आप खोलो फिर निकालो इस तरह से दोस्तों। तो बस दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों आप लोगों के लिए लाया था, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं।